ठीक मध्य प्रदेश पीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 6 निबंध पर ये तीसरा लेक्चर हमारा आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर जो हमारे हुए हैं उसमें पहले तो हमने समझा था कि निबंध क्या होता है, वो हमारे सिलेबस के अंदर क्यों है, हमारे सिलेबस में जो निबंध है उसका उत्तर लिखते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है और उनसे किस तरह से उन कामों को उन निबंधों को हमको जो है डील करना है उन निबंध के साथ। अब आज जो हम देखने वाले हैं, कल हमने जो देखा था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये जो चीज़ें देखी थी इनको हमको किस तरह से इनका क्या इम्पेक्ट है भारत के ऊपर, या जो है आधुनिकीकरण का क्या इम्पेक्ट है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पेक्ट को हमको किस तरह से समझना है आज हम ये देखेंगे, है ना। लिख सकती है तो अभी आपके कल यही 3 चीज़ हमने समझी थी, तो इसको आपको कौन से ऐसे टर्म्स थे जो आपको समझ में नहीं आए थे, है ना। इसमें निजीकरण किसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन को, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये 3 वर्ड है ना, इसमें आपको जहाँ पे अंग्रेजी हिंदी की दिक्कत आए ना वहाँ पे आप बता देना कि यार यहाँ पे दिक्कत आ रही, तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे उसी टाइम पे। अभी इन दोनों में से ये जो है, ये 3 जो है ना, इन 3 टर्म में से हमको ये 2 टर्म के ऊपर मेन काम करना है। किसके ऊपर, अरे किसके ऊपर, एक तो लिबरलाइजेशन के ऊपर और दूसरा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन जो है वो अपने आप में इन्हीं का जो है एक जो है मतलब रिजल्ट मान सकते हैं हम, कि इन 2 चीज़ों का रिजल्ट है। अब इसमें लिबरलाइजेशन जो है ये क्या है, कल समझा था हमने क्या था, ये उदारीकरण क्या था, लिबरल करना चीज़ों को, चीज़ों को ढीला छोड़ना, है ना। ढीला छोड़ने का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है जो पकड़ बना रखी थी पूरे मार्केट के ऊपर उसको ढीला किया, है ना, उसको लचीला बना दिया, ठीक। उसके बाद में हम धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, फिर जो लिबरलाइजेशन को जब और ज़्यादा जो है उसको ब्रॉड किया, तो ब्रॉड करने में फिर आज जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन के अलावा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया उन चीज़ों का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने लगा, इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने लगा। अब ये सारी चीज़ें जो आई है इससे पहले नहीं हो रही थी, 1991 से पहले, 1991 के बाद में हुई है सारी चीज़ें। तो जब लिबरलाइजेशन हुआ तो इसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बढ़ी, साथ साथ क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर जब आज़ाद हुआ अपने, उससे तो उसने लोन देना है ना, क्रेडिट देना बढ़ाया, तो क्रेडिट केवल इंडस्ट्री को नहीं दिया, लोगों को भी दिया। तो इसने क्या किया, एक तो सबसे पहले तो जो है जब आप इंडस्ट्रीज़ को लोन देते हैं तो आप क्या बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इन्होंने सप्लाई भी बढ़ाई इसने, दूसरी तरफ लोगों को जो लोन दिया तो उसके कारण डिमांड भी बढ़ी, तो इसने सप्लाई बढ़ाई, डिमांड बढ़ाई, और ये सप्लाई और डिमांड जब बढ़ी तो इन दोनों के कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट ये हुआ कि हमारा इकोनॉमिक ग्रो की, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, जॉब बढ़ी, है ना, जॉब, ये दोनों, और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कब तक, जब तक हम केवल इसको जॉब के हिसाब से देखें। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आ जाता है, और जैसे पढ़ने के लिए आपको कहीं जाना है तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, वो आपकी बढ़ गई, है ना। तो
तो इस टाइप से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी, जॉब भी बढ़ी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, इन सब ने मिला के क्या किया, हमारी कंट्री जो है वो तेज़ी से इंडिया ग्रोथ करना शुरू किया। जब ग्रोथ करना शुरू किया है तो इसके ये तो पॉजिटिव इम्पेक्ट हुए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हुआ, कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी, कुछ जगह ऐसी है जो आज भी, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया है ना, ठीक से हो नहीं पाया, तो क्या हुआ, इसके कारण क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पेरिटी, रीजनल डिस्पेरिटी कारण क्या हुआ, जब रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ही जगह होगी तो उसके कारण क्या होगा, आपका माइग्रेशन होगा, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन, इससे माइग्रेशन बढ़ा, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए इस माइग्रेशन के कारण। आप बिहार में जाके देखेंगे तो पूरा पूरा गांव बाहर काम कर रहा है ना, तो इससे इसके सोशल इम्पेक्ट भी है माइग्रेशन के, ठीक। सोशल इम्पेक्ट के अलावा वहाँ जहाँ से आए वहाँ के सोशल इम्पेक्ट, दूसरा अर्बनाइजेशन जो हमारे यहाँ पे हुआ, तो ये एक तो दो तरह से हुआ ना, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा उसके कारण अगर अर्बनाइजेशन बढ़ा, दूसरा ये माइग्रेशन के कारण जो अर्बनाइजेशन के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा वो नेगेटिव पड़ा। क्या हुआ, ये गंदी बस्तियाँ और ये सब जो है आपके सामने आई, उसके कारण क्या हुआ कि ये जो हो सकता था कि हमारे जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा था है ना, तो एक तरफ तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऊँचा स्टैंडर्ड हो गया, दूसरी तरफ एकदम ज़्यादा गंदी स्थिति में चले गए। तो ये यहाँ पर माइग्रेशन के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पेक्ट। इसके अलावा क्या हुआ कि आपके जॉब जो है, नई टेक्नोलॉजी सही, अचानक से कंप्यूटर भी आ गया उसी टाइम पे, इंटरनेट भी आ गया उसी टाइम पे, सब कुछ मतलब एक चेंज जो है आपके सामने आया, तो उस चेंज ने क्या किया कि जो टेक्निकली साउंड है वो जॉब जो है आपके लिए, वो जॉब ज़्यादा प्रिवेल हुई, और जो एकदम हाथ से की जाने मैनुअल जो काम थे वो वाले, तो एक तरह से जॉब तो बढ़ी लेकिन उन लोगों के लिए जो टेक्निकली साउंड थे, हाँ उन लोगों के लिए जो टेक्निकली साउंड थे उनके लिए जॉब कम हो गई, तो ये जॉबलेस ग्रोथ आपके सामने आई है ना। तो ये पूरा जो सिस्टम था कि यहाँ से इसने सप्लाई डिमांड बढ़ी, सप्लाई डिमांड से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, हमारी जॉब बढ़ी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ हमारी रीजनल डिस्पेरिटीज़ जो है वो भी बढ़ी, माइग्रेशन बढ़ा उसके कारण हमारी सोसाइटी जो है उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पेक्ट पड़े। पॉजिटिव इम्पेक्ट ये कि माइग्रेशन जो हुआ उसने जो शहर में जब हम आए तो हमारे कास्टिज्म और ये सब जो हमारे यहाँ पे एक नेगेटिव आस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का वो टूटा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, जब शहरों के अंदर वो आए तो वो फिर ऐसी जगह पे ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड्स में रहना पड़ा उनको जो बिल्कुल रहने लायक नहीं थे, तो इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पेक्ट हुए और जॉबलेस ग्रोथ आपकी सामने आई, ठीक। अब ये सारी जो स्थिति बनी है लिबरलाइजेशन के कारण, इसमें गवर्नमेंट का रोल जो अभी तक क्या था, किसमें वो उसको पूरा कंट्रोल कर रहा था, तो अब गवर्नमेंट का रोल क्या हो जाता है, ये जो जितनी इसके नेगेटिव इम्पेक्ट है इन नेगेटिव इम्पेक्ट से निपटना, और इसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ करती दिखती है ना। तो अभी कल जो हमने बात करी कि सोशलिज्म क्या है, इंडिया क्यों सोशलिस्ट है ना, इंडिया को क्यों सोशलिस्ट कहा जाता है, तो हमने क्या देखा था, प्रोडक्शन के मींस के ऊपर जो है वो भी गवर्नमेंट का था, लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का था, जो जितना आपका कैपिटल है वो भी गवर्नमेंट के हाथ में थी, इसके साथ में जब प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में था। अब जब आज हम देखते हैं तो आज क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, बाकी सब चीज़ों से पीछे हट गई और केवल जो है क्या हुआ, वो एक रेगुलेटर के रूप में हो गई, लेकिन सोशलिस्ट जो हम हैं वो अभी भी क्यों हैं, क्योंकि हमने अभी भी क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सेम रखा है, भले हम प्रोडक्शन से पीछे हटे लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं पीछे हटे। कैसे, एजुकेशन गवर्नमेंट आज भी दे रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट आज भी बना रही है, आप जो है आपका ये जो जिन सड़कों पे आप चलते हैं ये गवर्नमेंट बना रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी भी उसके पास जो आ रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है। तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट का रोल है, इसमें आपको क्या लिखना है फिर, कि एक तो ये कि गवर्नमेंट कौन कौन सी जो है स्कीम्स चला रही है, जैसे जॉबलेस ग्रोथ को दूर करने के लिए क्या कर रही है, कौशल भारत है ना, ये माइग्रेशन जो है इसको कम करने के लिए क्या कर रही है, रीजनल माइग्रेशन कम नहीं कर रही है, वो ये कर रही है कि हम अर्बनाइजेशन तो हमको बढ़ाना ही है, अब ये लोग जो यहाँ पहुँचे, जैसे दिल्ली सरकार कर रही है कि माइग्रेशन के बाद में जो यहाँ पहुँचे तो हमको क्या करना है, अब इनको अच्छी जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ दें, अच्छा एजुकेशन दें, ये सारा
हम काम करें। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट हमारी इसलिए है, मतलब हमने क्या किया, सोशलिज्म का एक आस्पेक्ट छोड़ दिया, दूसरा वाला आस्पेक्ट जो था उसका वो पकड़ के चले जिसकी हमको ज़रूरत थी, तो इसलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी हो गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या जॉबलेस, अब इसके अलावा जॉबलेस ग्रोथ को जितने आपके दिमाग में आएंगे, क्या स्वरोजगार योजना आपको नज़र आएगी, है ना, इसके अलावा आपको जो है कौशल विकास, कौशल विकास के बाद तेजस्विनी महिला, वो मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए बैंकों को कहती है कि आपका ये जो है काम है कि आप जो इनको पैसा दो, तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है वो किस लिए कर रही है, इसके जो नेगेटिव इम्पेक्ट हमारे सामने आए लिबरलाइजेशन के, इनको दूर करने के लिए। तो आपको जब निबंध लिखना है उदारीकरण में, तो आपको इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसके बाद जो नेगेटिव जो चुनौतियाँ हमारे सामने है, हमको ये नहीं इसका इसको नहीं वो करना है क्रिटिसाइज़, मतलब उदारीकरण को आप अगर आलोचना करने चले गए तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया, पूरे कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया जिस पे 30 साल से आप चल रहे हैं। पहले ये कि उदारीकरण क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने के बाद में कुछ उसके सामने चुनौतियाँ आई, इन चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है लगातार हमारी काम कर रही है, और वो किस किस तरीके से काम कर रही है, तो जो है वो PDS से आपको राशन दे रही है ताकि जो है आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ठीक रहे, खाना पीना तो कम से कम आपको मिलता रहे, हर घर नल योजना से ये कर रही है कि पानी आपको ठीक मिलता रहे, भले ही आपके पास पैसा हो नहीं हो लेकिन पानी आपको साफ मिले। इसके बाद में आपको स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है, एक हद तक आयुष्मान कार्ड योजना आपने चला दी, फिर उसके बाद में आपने जो है क्या किया, कौशल विकास, आप जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि कौशल विकास हम करेंगे, उसके बाद में स्वरोजगार योजना चला दी, कौशल विकास के साथ साथ आपको पैसा भी देंगे कि आप अपना कुछ बना लो। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी उस पर लिखना है किसी भी बारे में जो हमने अपनाया, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले तो वो क्यों अपनाया, उसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदे के साथ में हर चीज़ अपने साथ में कुछ ना कुछ नुकसान लेके आती है, इतना बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएगी, तो वो जो दिक्कतें आई उन दिक्कतों से कैसे निपट रहे हम, वो लिखना आपको, आपका निबंध ख़त्म हो जाएगा, अगर आप 1000 शब्दों में आता है तो भी ख़त्म हो जाएगा, 500 में आया तो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है ना, बस कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो उस कॉन्सेप्ट में, जो ये वाले कॉन्सेप्ट है कौन से जो हम अपना रहे हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके अलावा हमने प्राइवेटाइजेशन, इन सबको आपको शुरुआत करनी है किस चीज़ से, कि वो आखिर हमको लेना ही क्यों पड़ा, उसको अपनाना ही क्यों पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि हमने उसको अपनाया, अपनाने के बाद में फिर जो दिक्कतें आई उनको बताना है, वो दिक्कतें बताने के बाद में फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको बताना है, वो सॉल्व करते हुए अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा एग्जांपल आ जाए, जैसे जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते तो हमको अमूल दिखता है ना, कि अमूल जो है वो भी एक सोसाइटी के उसमें शुरू हुआ था लेकिन आज पूरे देश में छा गया, तो हमको इस टाइप के कोई एग्जांपल्स उस टाइम पे दिमाग में आते हैं तो आपको वो एग्जांपल्स जो है वहाँ पे कोट कर देना है जब आप कंक्लूज़न लिखने जाएं, क्योंकि कंक्लूज़न में सबसे ज़्यादा क्या कि आपकी पॉजिटिविटी कितनी है वो जो है वहाँ पे दिखनी चाहिए, कि आप पॉजिटिव हो, आखिर में आपके पास में एक होप है। ठीक, तो ये वाली चीज़ ये लिबरलाइजेशन के साथ ये है, इसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन के साथ बारे में देखें, जो ग्लोबलाइजेशन, अब इसमें आप बताओ कि इसमें इसका पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ग्लोबलाइजेशन, ये पॉजिटिव इसका, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप ऐसी दुनिया देखो जिस दुनिया में आप बिस्किट भी खा रहे हैं तो पार्ले जी, ठीक, आपको कोई बाहर से जो एक ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा नवजीवन साबुन, है ना, आपको जो है अगर पेंसिल भी लिखनी है तो कोई जो है छोटी मोटी यहाँ की कोई पेंसिल आपको मिल जाएगी, अप्सरा अप्सरा कोई जो यहीं पे बनी होगी, ठीक, पेंसिल की जगह आपको अधिकतर किससे लिखना पड़ रहा है, एक स्लेट के ऊपर उससे जो चौक आती है उससे चौक से लिख रहे हैं, ताकि पेंसिल जो है वो महंगी है चौक से लिख देते हैं वो सस्ती, वो वाला इरा याद करो, आज जो इरा चल रहा है, आज जो टाइम चल रहा है वो, तो ये सारा जो हुआ है हमारा ट्रांजिशन, तो ऐसा नहीं है कि पहले पेंसिल नहीं थी, ऐसा नहीं है पहले जो है ये पेंटिन और ये सब नहीं थे, है ना, पहले क्या था, केवल हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि यहाँ से अंदर जो है भारत की बाउंड्री से अंदर अगर आएंगे तो आप 1 रुपये की चीज़ें आपको 2 रुपये की कर दें, हम क्यों, क्योंकि हमको नवजीवन साबुन को आगे बढ़ाना है। ठीक, अब उसके अंदर पोटेंशियल हो कि नहीं हो उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है नवजीवन साबुन के पेंटिन बनने की उससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं केवल
उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और नवजीवन साबुन का मालिक को पता है कि जो है कोई भी हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है, कोई एक रुपये का दो रुपये का साबुन खरीदने की जगह मेरा अठन्नी का खरीदेगा, ठीक। तो इसके कारण क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जगह पे क्या हुआ, प्रोटेक्शन की जगह वो जो है मट्ठे बन के बैठ गए, ठीक, एक ही जगह पे। मतलब उन्होंने क्या किया ना, अपने आप को सुधारने की जगह उनको समझ में आ गया कंपटीशन है नहीं, आपस में प्रतिस्पर्धा हो नहीं पा रही है, प्रतिस्पर्धा नहीं हो पा रही है तो बाहर से, तो अपन जैसे है उसी स्थिति में आराम से बैठे रहो, कोई भी है तो वो आके लेके जाएगा ही, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, उसके पास पैसा है, और पैसा है भी सही तो वो बहुत कम लोगों के पास है, थोड़े ही लोगों के पास। तो ये उस टाइम पे दिक्कत चल रही थी। तो हमारे जैसे ही हमने खोला, खोलने के बाद क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हुई होगी, हाँ, सबसे पहले कंपटीशन बढ़ा है ना, तो ये पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में, हाँ, आपके हिसाब से अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। किस तरह से? अब इसमें क्या फिर गवर्नमेंट का रोल क्या आ जाता है? कि बढ़ावा दे। अब जैसे ये बढ़ावा देने वाला रोल जो था, ये था 90 से पहले वाला। इन्होंने क्या किया 90s के बाद में, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बढ़ावा देने की जगह उनके इस उनको इस तरह से प्रोटेक्ट किया। किस तरह से? कि जैसे बाहर से कोई कंपनी आई, उसने बताया कि मेरा जो है रॉ मटेरियल इतने का है, रॉ मटेरियल के बाद इतना प्रोसेसिंग फीस लगी, इतनी प्रोसेसिंग में इतना पैसा लगा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में इतना पैसा लगा, सब मिला के मेरे को कोई चीज़ 75 पैसे की पड़ी, मैंने उसकी MRP 1 रुपया लिखी है, 25 पैसे ऊपर में वो बिक रही है, ठीक। तो उसके ऊपर जो है टैक्स गवर्नमेंट लेती थी, ठीक। अब उसको पूरी चीज़ पता है कि रॉ मटेरियल कितने का है, उसमें कितना पैसा प्रोसेसिंग में लगा है, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है, ये गवर्नमेंट को पता है पहले से, ठीक। अब इसमें कंपनियां, जो बड़ी कंपनी है वो क्या करती है, जैसे अभी जो जोमेटो स्विगी ये सब जो करती है, ये क्या करती है, ये इतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे देगी कि आप दूसरी तरफ जाओगे ही नहीं, ठीक। इसके कारण क्या हुआ, आपका कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इम्पेक्ट पड़ेगा, और कंपटीशन के ऊपर जो एडवर्स इम्पेक्ट पड़ेगा उसको रोकने के लिए फिर इन्होंने क्या किया, एक बॉडी बना दी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या आपको जो है ये नहीं करना है, अब हम ये नहीं कर रहे कि भैया तुम आओ, तुमको जो है हम तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद या उनको खिला नहीं रहे MSME को, उनसे कह रहे कि तुम्हारे अंदर अगर पोटेंशियल है तो तुम लड़ो, तुम्हारे साथ में कोई गलत तरीके से कंपटीशन नहीं कर पाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए एक बॉडी भी हमने बना दी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको लगता है कि ये कोई गलत काम हो रहा है तो फिर क्या, आपको वहाँ पे बॉडी में अपील करनी है, अपील करके आपके पक्ष में चली जाएगी बात है, अगर आप सही हो तो। तो हमने क्या किया, प्रोटेक्शन या उनको पेट्रोनिज्म देने के, हमने क्या किया, सीधे जो है उनको ये कह दिया कि आपको लड़ना है तो हम जो है पूरी तरह से आपके साथ है। किस तरह से साथ है, लेकिन कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, कोई गलत तरीके से आपके ऊपर अगर आएगा तो वो हम वहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे आपका, लेकिन ग्रो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। उसके कारण क्या हुआ कि जो जो जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं था वो तो बंद हो गई, और जिनके अंदर पोटेंशियल था वो आज हमारे सामने यूनिकॉर्न कंपनीज बन के खड़ी है, ठीक। तो ये इसका कॉम्पिटिशन का जो है पॉजिटिव इम्पेक्ट ही पड़ा है दोनों तरफ से, कंज्यूमर में भी देखें या इंडस्ट्रीज़ में भी देखें। जो इंडस्ट्रीज़ का था कि जो बेकारी पड़ी है, जैसे यहाँ पर मालवा मिल है, मालवा मिल तब से बंद पड़ी है और बंद ही रहेगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल नहीं था तो बंद हो गई। ऐसे बहुत कंपनियां बंद हुई, लेकिन वो बंद कौन सी हुई, जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं था, जिनके अंदर पोटेंशियल था वो आगे बढ़ी, और आज जो है इंडिया की जो बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे कि जो बराबर, जैसे पतंजलि है, पतंजलि दे रही है टक्कर बड़ी बड़ी कंपनीज को, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, किसी बड़ी कंपनी को देख लो, पतंजलि बराबर टक्कर दे रही है, क्यों, क्योंकि वो जो है कंपटीशन जो है वो बराबर हो गया, और जिनके अंदर लड़ने की क्षमता थी वो आगे आ गए, जिनके अंदर नहीं थी वो पीछे रह गए, ठीक। तो कंपटीशन बढ़ा। इसके अलावा और क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण, सप्लाई चेन,
नए कैसे? बाहर का मार्केट मिला तो हमारी जो सप्लाई चेन वो एक्सटेंड हुई। कंपटीशन को क्या कहेंगे? एक तो प्रतिस्पर्धा, क्योंकि लिखना तो आखिर हिंदी में ही है, ठीक। सप्लाई चेन एक्सटेंशन इसको क्या बोलेंगे? नहीं, सप्लाई चेन को क्या? चलो अभी आ जाएगा यार। और इसके अलावा क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन से और क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन से हमारे यहाँ एमएनसीज आई है। एमएनसी जो आई, बाहर की कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या साथ लेके आई? टेक्नोलॉजी साथ लेके आई। तो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लो हुआ और साथ में और क्या आया टेक्नोलॉजी के साथ? नहीं, वो रोजगार तो उसका इम्पेक्ट है। वो जो एमएनसीज यहाँ आ रही है, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल वाले अपना जो है वो लगाएंगे कि असेंबलिंग का एक यूनिट लगाएंगे, तो वो क्या क्या चीज़ साथ में लेके आ रहे हैं? एक तो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो असेंबलिंग के लिए काम में आएगी, और क्या साथ लेके आ रहे हैं? वर्किंग कल्चर भी लेके आ रहे हैं। और क्या लेके आ रहे हैं? कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, वो साथ में अपना पैसा लेके आ रहे हैं। तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ वो वहाँ से लेके आए, ठीक। यहाँ पे उनने क्या किया? हायरिंग की, तो वो साथ में जॉब हमको मिली एज अ रिजल्ट उसके। और वर्किंग कल्चर हमारे यहाँ पे एक नया डेवलप हुआ, ठीक। तो ये क्या हुआ? कैपिटल इनफ्लो बढ़ा आपका, टेक्नोलॉजी आपके पास जो है वो नई आई है, ठीक। जॉब आपकी बढ़ी और वर्किंग कल्चर ठीक हुआ है। ठीक, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का। वो किस तरह से, कहाँ कहाँ आपका जो है सोसाइटी के ऊपर? आपकी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट क्या करता है? एजुकेशन है ना। और एजुकेशन में ये हुआ है कि वहाँ की जो कुछ एजुकेशन की जो वो थी, कॉलेज कंपनियाँ जो थी, वो इंडिया आई, और इंडिया वाले जो है वो ज़्यादा जो है वहाँ बाहर जाने लगे पढ़ने के लिए। तो एजुकेशन की क्वालिटी हमारी सुधरी। और क्या हुआ? हमारी हेल्थ की जो क्वालिटी, वो भी उसके बाद आप देखते जाओगे कि लगातार सुधार होता जा रहा है। उसमें दो तीन तरह से आया है कि हमारे पास पैसा भी आया, हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ भी आई। जो हेल्थ सेक्टर है उसमें नई मशीन आई है ना, वो नई मशीनें जो है उन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ जैसे जैसे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हम सस्ता भी देने लगे है ना। सस्ता हम पहले से दे रहे थे क्योंकि लेबर हमारे यहाँ सस्ती है। फार्मा सेक्टर हमारा बढ़ा है उसके बाद में है ना, हम अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका में बेच रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो हेल्थ सेक्टर में हमारे इस तरह से लगभग हर सेक्टर में आप जाएंगे तो उसके पॉजिटिव इम्पेक्ट है, पर इसके नेगेटिव भी है कुछ। तो क्या नेगेटिव है? कल्चर पे इम्पेक्ट पड़ा आपके। क्या, किस तरह से आप देखते हैं कल्चर पे, कहाँ कहाँ इम्पेक्ट देखते हैं? जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, ये वहाँ से आई है या ये अर्बनाइजेशन का इम्पेक्ट है? ये शहरीकरण का प्रभाव है या फिर ये जो है आधुनिकीकरण का प्रभाव है या ये वैश्वीकरण का प्रभाव है, है ना? ये क्या है? ये मिक्स्ड है सब। लेकिन हम जो नीचे देख रहे हैं कि मैकडोनाल्ड का खुला हुआ है, पिज़्ज़ा हट का खुला हुआ है ना, आप, हाँ, आपके दादा जो है वो धोती पहन रहे थे है ना, आपके पिताजी ने पेंट पहननी शुरू करी, आप जींस पहनना शुरू हुए, ठीक। तो ये जो खान पान में जो बदलाव आया, पहनने ओढ़ने में जो बदलाव आया है हमारे, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट है। तो एक तो कल्चर के ऊपर हमारे जो है इम्पेक्ट पड़ा है उस कल्चर जो है वो अब। लेकिन क्या हुआ कि हमने उसको उसके लिए बदला भी लिया फिर उनसे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने केवल जींस पहन ली, हमने उसको क्या हुआ, योगा पैंट्स पहना के योगा करने बिठा दिया। तो हमने क्या किया, बराबर बदला ले रहे हैं हम। तो बदला क्यों ले पा रहे हैं हम, क्योंकि इतने लंबे टाइम से जो चले आ रहा है कल्चर है, उस कल्चर के अंदर पॉजिटिव्स है, उन
पॉजिटिव्स को पहचानना था केवल, ठीक। और जब से जैसे नई गवर्नमेंट आई 2014 के बाद में, तो उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर को जो है, हमारे कल्चर के जो पॉजिटिव्स थे उनको खोजा। उनको ढूंढने के बाद में क्या हुआ, ग्लोबल लेवल पे उनको जो है हमने ये करना शुरू किया कि ग्लोबल लेवल पे हमने उनको जो है बताना शुरू किया, योगा है हमारा, है ना, ध्यान है हमारा, हमारा मेडिटेशन है। इसके अलावा हमारे जो कुछ आध्यात्मिक कुछ बिंदु थे तो वो भी हम वहाँ पे लेके गए। तो ये जब कोविड आया तो हमने क्या किया कि हमने सबसे नमस्ते करने के लिए कहा कि हाथ मिलाओ कि कोविड फैलेगा, नमस्ते करो, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे कल्चर को ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ाए तो हमने भी हमारा कल्चर जो है वहाँ पे भेजना शुरू किया। हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ पहले केवल रशिया में, USSR में, यहाँ चलती थी, अब पूरी दुनिया में चलना शुरू हुई है। पूरी दुनिया में बॉलीवुड की मूवीज़ देखी जाती है, ठीक। अब आप तो पिछली बार तो क्या है? ये भी जीता ना ऑस्कर में, कोई जीता है ना हमारे यहाँ का, हाँ है ना, RRR। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पेक्ट है कि हम वहाँ लॉबिंग कर पा रहे हैं ठीक ठाक तरह से। तो अच्छा, इधर एक लेकिन बड़ा इम्पेक्ट रह गया ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारी सिक्योरिटी जो है, या इंडिया की जो हार्ड पावर है, हार्ड पावर मतलब क्या, कि जैसे अभी आप देखते हो कि USA भी हमको बुला के कहता है कि लो ये ले लो, रशिया भी बुला के कहता है कि आप भी जो है हमारे, चाइना के अगेंस्ट हमको खड़ा करते हैं कि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक में कौन सी सबसे बड़ी शक्ति है, तो बोलते हैं इंडिया है, है ना। ये कब कैसे हम बोल रहे हैं, पहले हम रीजनल पावर थे, रीजनल पावर से हम किस में, ग्लोबल पावर में बदल गए जब से हमने ग्लोबलाइजेशन किया है। तो हम अब वैश्विक शक्ति बन चुके हैं, तो ये ग्लोबल पावर इंडिया जो है बन गया है। ये एक पॉजिटिव इम्पेक्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, है ना। तो इसके अलावा कल्चर, कल्चर के अलावा कहाँ पे नेगेटिव इम्पेक्ट आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का, हाँ। तो वॉलेटिलिटी बढ़ी है हमारे इकोनॉमी की, हमारे जो वनरेबिलिटी बढ़ गई हमारी इकोनॉमी की, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जो है बाहर के जो कहीं पे, जैसे USA में 2008 में, जैसे USA में जो हुआ था 2007-2008 में, कि वहाँ की बैंक डूब गई अचानक से, डूब गई तो पूरी दुनिया की जो है इकोनॉमी गड़बड़ हो गई, ठीक। तो ये हमारी जो है वॉलेटिलिटी बढ़ी है हमारी इकोनॉमी की, हमारी करेंसी की भी। अब इसके पॉजिटिव इम्पेक्ट फिर हम जो बात करते हैं, आज जैसे आज हमारी जो गवर्नमेंट है, जयशंकर जैसे गए, एस जयशंकर, तो वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि भैया तुम तो वैसे भी डूब रहे हो, तुम्हारी इकोनॉमी तो एक पे दो पे इस तरह से चल रही है, अब कौन इंजन बन रहा है पूरी दुनिया का, तो इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना दोनों मिलके। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने कहा था कि ये आने वाला जो सेंचुरी है, अगली जो सेंचुरी, ये एशिया की सेंचुरी होगी, उनको मतलब ऐसा लगता था, वो चाहते थे, इसलिए वो चाइना से इतनी दोस्ती बढ़ाते थे कि चाइना इंडिया मिलके जो है वो दुनिया को लीड करे ऐसा, है ना। तो यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं कि इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो हमारा इकोनॉमिक इम्पेक्ट भी बढ़ा है दुनिया पर, ठीक। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट हमको मिल रहे हैं उसके पॉजिटिव्स हमारे पास आज है, मतलब किसी टाइम पे ऐसा था कि हमारे पास वो पॉजिटिव्स मिलते नहीं थे क्योंकि हमको बताने वाला नहीं था। अब जैसे जयशंकर जब से मंत्री बने हैं तो वो लगातार जो है पॉजिटिव्स बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ऊपर ही इम्पेक्ट बढ़ रहा है, हम जो इम्पेक्ट पैदा कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि पूरी दुनिया जो है वो एक पे दो पे चल रही है, और हमारा जो एक्सपोर्ट, हमारा जो लगातार हम जो ग्रो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें चाइना और इंडिया दोनों मिलकर उसको संभाल के चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो हमारे क्या है, वॉलेटिलिटी तो बढ़ी है लेकिन हमारा ग्लोबल इम्पेक्ट भी बढ़ा है इकोनॉमी में, ठीक। तो ये वाला, इसके अलावा और क्या हुआ है, और कौन सा नेगेटिव इम्पेक्ट हमको दिखता है, इसमें बहुत सारे आस्पेक्ट खुलेंगे इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी में आपके सारे खुलेंगे। जैसे आपको पेट्रोल लड़ाई झगड़ा कहीं बढ़ गया है, जैसे रूस यूक्रेन में आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, उसके कारण आपके ऊपर इम्पेक्ट बढ़ जाता है। कहीं पे कुछ हो रहा है तो आपके ऊपर इम्पेक्ट बढ़ जाता है। यूरोप अगर डूब रहा है तो हमारे ऊपर इम्पेक्ट बढ़ जाता है। अफ्रीका में अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे ऊपर इम्पेक्ट बढ़ जाता है, है ना। तो ये, इसके अलावा और क्या है नेगेटिव इम्पेक्ट देखें अगर ग्लोबलाइजेशन का, तो कोविड वगैरह आया, हाँ, तो हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं ऐसे लिख देंगे कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, और उसमें कोविड का और ये सब आप जिक्र कर देंगे, है ना, एग्जांपल लिख देंगे। और हमारा कल्चर, कल्चर के अंदर भी आपके बहुत सारे खुल जाएंगे कि जैसे ये इन्होंने बताया कि जो है शहरीकरण, उसके कारण हुई समस्याएं,
है ना। इसके बाद में जो है आपका पॉप कल्चर आपका बढ़ गया है, पॉप कल्चर आपका बढ़ गया है, आप जो है नशा जो है एक तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो गया है इंडिया में, लगातार बढ़ रहा है ना। इसके पॉजिटिव्स में ये भी आ जाएगा कि आपका जो हमारे यहाँ पे जो ये है महिला पुरुष के बीच में जो एक अंतर था वो अंतर कम होता चला जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का वो एक प्रभाव है, क्योंकि वो ग्लोबल आंदोलन है फेमिनिज़्म, ठीक। फेमिनिज़्म जो ग्लोबल आंदोलन है वो हमारे, अब इसके बाद में एक नेगेटिव इम्पेक्ट ये है कि इंडिया जो है वो अपना कहीं ना कहीं ये होता है कि दुनिया का जो दुनिया में जो भी चल रहा होता है वो पहले क्या था, हम जैसे एक बंद जब तक थे तो दुनिया में जो भी चल रहा था उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर बहुत कम था, है ना। तो हमारी सोसाइटी जो है वो क्या नेचुरल ग्रो कर रही थी, तो हमारी सोसाइटी के ऊपर जो आज दिक्कतें आ रही है, जैसे क्या हुआ है कि हम एक टाइम तक हम ये मानते रहे कि हमारा टेररिज्म है जैसे, है ना। तो टेररिज्म आज स्वीडन में कुछ हो रहा है, इंडिया में जो है उसका रिएक्शन आपको दिखता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तुर्की में कुछ हो रहा है, इंडिया में उसका रिएक्शन दिख रहा है, दोनों तरह से। मतलब एक कम्युनिटी आपकी जो है किसी साइड खड़ी हो जाती है, दूसरी कम्युनिटी दूसरी साइड खड़ी हो जाती है, ठीक। अब ये वाली चीज़ें पहले क्या थी, पहले रेगुलेशन इतने ज़्यादा थे कि यहाँ हमारे यहाँ तक बात नहीं आती थी, आप भी जाती थी तो हम जो है आपस में उस तरह से नहीं लड़ते जिस तरह से आज। तो हमारी सोसाइटी जो है वो भी ज़्यादा वनरेबल हो गई है, किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये दो चीज़ें जैसे लिबरलाइजेशन था ग्लोबलाइजेशन था, इसमें आपको दोनों में आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्यों ये इसी तरह से हो रहा है, कि हम पॉजिटिव्स में तो सारे पॉजिटिव्स देखेंगे, नेगेटिव्स में आपको जो पॉजिटिव्स खोजना है वो आपके निबंध को एनरिच करेगा, है ना। हाँ, आपको नेगेटिव लिखने के बाद में उसके पॉजिटिव्स बता देने हैं कि ये केवल नेगेटिव नहीं है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम 140 करोड़ लोग हैं कि हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। जैसे हमने किस में किया, पॉपुलेशन में, कि पॉपुलेशन में लगातार हमको जो है ये बताते रहे कि पॉपुलेशन क्या है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन पॉल्यूशन है, और आज हम किसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। तो केवल किसका अंतर है यहाँ पे, सोच का समझ का अंतर है, केवल मानने का अंतर है कि हम जिस पॉपुलेशन को अभिशाप मान रहे थे वो हमारे लिए आज वरदान है, ठीक। मार्केट भी हमारे पास उसने क्रिएट कर दिया, लेबर भी उसने क्रिएट कर दी, दुनिया के सामने एक ऐसी पावर के दुनिया जो है इस तरह से देख रही है कि यार ये इतना बड़ा मार्केट है कि हम इसमें जितना खपाए ये सब खा जाएगा, केवल इसको जो है हमको स्टेबल रखने की ज़रूरत है, ठीक। दुनिया हमारी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये मार्केट अगर स्टेबल रहा, चाइना ओपन नहीं है, इंडिया ओपन भी है मार्केट, इंडिया डेमोक्रेसी भी है, तो ये अगर बाज़ार खुला रहा हमारे लिए, ये अगर स्टेबल रहा, तो फिर ये रहेगा कि हम आराम से जो है हमारी कितनी भी दिक्कतें आए हम हमारे माल यहाँ खपा खपा के अपना ज़िंदगी चला सकते हैं, ऐसा। तो ये इंडिया और अफ्रीका एशिया, तो हमको क्या है, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमको सबको जोड़ देना है, है ना। और आंसर जब लिखने जाए तो उसमें नेगेटिव्स जहाँ लिखे तो नेगेटिव्स के साथ में आपको क्या उसका पॉजिटिव है, या फिर क्या हम उसको कोई अगर हमारे साथ दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेके। हाँ, ये आपको जहाँ पे आप नेगेटिव लिखने जाओ, क्योंकि क्या होगा कि आपको कम शब्द है अगर आपके पास में, तो क्या होगा वहाँ पे कि वहाँ पे आपको सब साथ में लिखना पड़ेगा, है ना। आपका जैसे आपने पॉजिटिव्स बताया, पॉजिटिव से बिल्कुल बाद में आपको नेगेटिव भी वहीं बताने पड़ेंगे, नेगेटिव बताने के बाद में वहीं पे आपको नेगेटिव्स के जो पॉजिटिव्स है उसके अंदर वो बता के फिर कंक्लूजन बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट ही नहीं है। 1000 वर्ड्स अगर आपके पास है तो फिर आप खुल के लिखो, फिर कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, साथ में पॉजिटिव्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन में जाते टाइम पे फिर जो है और नई चीज़ आ जाएगी आपके पास में, क्योंकि वहाँ पे फिर बनता चला जाता है। एक बार थ्रेड बनना शुरू हो गया ना आंसर लिखते टाइम, एक बार आंसर लिखते टाइम आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहना है ऐसे लिखते टाइम। ऐसे लिखते टाइम केवल ये ध्यान रखना है, शुरुआत में ही अपना फ्लो चार्ट बना लेना है। जैसे ये बनाया ना, तो पहले 10-15 मिनट आप ये अगर फ्लो चार्ट बना लिया आपने निबंध लिखते टाइम, तो पूरा निबंध आपका जो है एक फ्लो में जाएगा, वो पढ़ता हुआ कहीं उसकी फ्लो नहीं टूटेगा कि यार ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। उसको ये लगेगा अच्छा ये उसके बाद नेगेटिव्स आए, उसके पॉजिटिव्स आए, उसका कंक्लूजन आया, ख़त्म हो गया। तो उसको जब ख़त्म हो तो उसको उसके मन में भी ख़त्म हो जाए चीज़ें, जितने उसके मन में डाउट्स है वो सारे आपने डाउट्स खुद ही क्रिएट किए, खुद ही सॉल्व कर दिए, पॉजिटिव भी खुद ही कर दिया, और फिर उसके बाद आगे निकल गए, वो नंबर दे देगा।
तो बीच में फ्लो नहीं टूटे उसके लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा, आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। पीछे रफ वर्क वाली जो एरिया है वहाँ पे सबसे पहले खोलना, उसके फ्लो चार्ट बनाते चले जाना। जो जो बीच बीच में लिखते टाइम पे भी दिमाग में नई चीज़ें आएगी, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी। आपका जो रॉ मटेरियल के ऊपर आप चाहे जो करते रहें, है ना। ठीक, अब इसके बाद में जैसे यहाँ ये दो जो है, इन दोनों के लिए हमारा जो हथियार है, हम जिनसे लड़ रहे हैं इनके नेगेटिव्स के लिए, वो है हमारा सोशलिज्म। ठीक, तो अगर सोशलिज्म से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है समाजवाद से, तो समाजवाद में हमको जो देखना है तो हमारे पास बहुत सारे, हम कहाँ पे, एक तो कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, समाजवाद के डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन पे, वितरण वाले सेक्शन पे। ठीक, तो इस समाजवाद हमारा जो है वो, हम भारत देश को ने लोक कल्याणकारी राज्य है ऐसा हम बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य प्लस समाजवाद मिलके क्या करता है, हमको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। क्या क्या, एक तो आप खाने पीने के लिए जो बांट रहे हैं वो, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब प्राइमरी हमने क्या किया वो तो छोड़ दिया, प्रोडक्शन के मीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स नहीं छोड़े। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी टैक्स को इससे डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं जोड़ना है। टैक्स क्या है, जो टैक्स जो है वो, आज जैसे कई बार हम बात करते हैं कि हम तो टैक्स दे रहे हैं तो हमको ये सुविधा मिलनी चाहिए, पर ये नहीं है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का राइट है। तो जब आप जब भी सोशलिज्म के बारे में लिखो, जब भी समाजवाद के बारे में लिखो, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखो, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जो है टैक्स देते हैं, वो इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि हम है ही पब्लिक वेलफेयर स्टेट, हम बने ही इसलिए हैं। भारत देश जो बना है वो बना ही इसलिए कि हमको पब्लिक वेलफेयर करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2% हमारे पास ज़मीन है, 17% पॉपुलेशन हमारे पास है पूरी दुनिया की, तो हमारे पास पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि हमको पब्लिक वेलफेयर स्टेट ही हो सकते हैं हम, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए सोशलिज्म के बारे में जब आपको लिखना है या पब्लिक वेलफेयर के बारे में लिखना है, मतलब इसके आंसर में आएगा, जब आप उधर लिबरलाइजेशन का लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम जो है लिबरलाइजेशन के एडवर्स इम्पेक्ट के को ख़त्म करने के लिए, उसके जो हमारे पास नकारात्मक प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमने कौन सा रास्ता अपनाया है, तो हम जो है लोक कल्याणकारी राज्य इसलिए बने हैं, हम इसलिए जो है समाजवाद को हमने अपनाया है। और समाजवाद में फिर हमको जो है एग्जाम्पल जैसे देने हैं, तो हमारे देश का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, जैसे दिल्ली का आपको एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम में आपको गुजरात मिल जाएगा, हेल्थ सिस्टम में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में यूपी मिल जाएगा, बहुत अच्छा काम किया कोविड में, है ना। तो इस तरह से जहाँ पे जो आपको मिले, केरला आपको मिल जाएगा, केरला जो है सारे सोशल इंडिकेटर्स को जो है अच्छा बना के रखा हुआ है। एक ही देश के अंदर जब आप बात करेंगे, हमारे देश के अंदर ही सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि हम कैसे जो है समाजवादी हैं, है ना। हम ये जो यूरिया और DDT और ये बांटते हैं, ये भी समाजवाद का पार्ट है कि हम जो है किसानों को, फार्मर्स को सहायता कर रहे हैं, किस में, कि प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास खाने पीने की दिक्कतें नहीं आएगी, हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको जोड़ते चले जाना है, ये जब आप पढ़ोगे अपना GS तो उसमें आपको मिलेगा। पर हमको क्या है, उसी टाइम पे ये दिमाग में जब रहेगा कि यार ये वाला जो काम है हम पब्लिक वेलफेयर में कर रहे हैं, ये वाला जो काम है हमारे सोशलिज्म का पार्ट है, ये ड्यूटी नहीं है, ये मतलब उसकी हम टैक्स दे रहे हैं इसलिए ड्यूटी नहीं बनती, ये हमारा काम ही है, हम बने ही इसलिए हैं। ठीक, तो जब इसके उत्तर में जाओ तो समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य, ये सब किसी भी बारे में हमको लिखना है तो हमारा समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य ही ऐसी चीज़ है जो हमको ये करती है, जो हमारे जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ आ रही है उन सब से निपटने के लिए हमारा पथ प्रदर्शक, मतलब एक तरह से है वो, हमको रास्ता दिखा रहा है वो। तो हमारा रास्ता जो दिखा रही है दो वर्ड, तो ये कीवर्ड्स आप लिखते चले जाओगे ना, आपका आंसर एनरिच हो जाएगा। इसके बाद आप एग्जांपल्स लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ये सारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये केवल इसमें, ये सारी चीज़ें काम आती है GS में भी जब उत्तर लिखने जाते हैं तो, है ना। तो ये जो 2-3 पॉइंट थे हमारे सिलेबस के, वो 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब क्या क्या बचता है इसमें, जैसे पर्यावरण विज्ञान ये दो बचे हैं, शिक्षा में गुणवत्ता बची है, भूमंडलीकरण उदारीकरण ये हमने पढ़ लिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल। अब इसमें ये वाला पोर्शन जो हमारा है साइंस वाला, साइंस के अंदर जो है इसमें ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इसके बाद में सुशासन,
सुशासन को भी हमको अब जो है साइंस से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक हो गया है, जो गुड गवर्नेंस है वो ई गवर्नेंस से जुड़ गई है ना। तो सुशासन, इसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, ये सारे जो है एक साथ अपन देख लेंगे। किसमें? जब साइंस से शुरू करेंगे कल, तो साइंस में ही हम जो है एआई पे पढ़ लेंगे, एआई के क्या जो है अब इन फ्यूचर, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस बार जो ऐसे आएगा, इस साल अभी जुलाई में जो 21 आ रहा, इसमें या तो एआई से पूछेगा, वो पूछेगा ही पूछेगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जो दूसरा वाला सेक्शन है जिसमें उन्होंने बोला है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेंगे हम जो भी चल रहा है उसमें, तो उसमें एआई से ज़्यादा अभी बड़ा मुद्दा कोई चल नहीं रहा। तो इस ये वाला जो साइंस वाला जो सेक्शन है ना, इसमें दोनों